वो कपाड़िए नहीं कबाड़िए हैं। पहले उसके घर में हमारी इज्जत उन्होंने उछाली और अब हमारे घर में आके ही हमारी इज्जत उछाल। पाखी बच्ची है, अच्छा बुरा समझती नहीं है, इसीलिए वो उनकी लाइफस्टाइल से और पैसे से इंप्रेस हो गई। बा सब उस लड़के ने किया, सब उस लड़के ने किया। बिल्कुल, वो सिर्फ अधिक नहीं है, वो बहुत बहुत अधिक है और बहुत अधिक अधिक चंट। और अनुपमा, इसे मैंने कितना वॉर्न किया था लेकिन सुनती कहां है? आप सुनते हैं? आप ना तो सुनते हैं ना ही समझते हैं मिस्टर शाह। हमें स्वीटी से आराम से बात, हमें नहीं मुझे, और मुझे जो करना है मैं कर लूंगा। आपको जो करना था आप कर चुके, जो बात शांति से आराम से सुलझ सकती थी, खत्म हो सकती थी, उस बात को आपके गुस्से ने इतना बड़ा कर दिया। पसंद करने का कोई लॉजिक थोड़ी होता है, मैंने बोला ना मैं उसे पसंद करता हूँ तो करता हूँ, दैट्स इट, बात खत्म। बात खत्म नहीं है, चैप्टर खत्म, जस्ट फॉरगेट अबाउट हर। दीप, नो, खत्म मतलब खत्म। अरे ये उम्र ही ऐसी है, बहुत नाजुक सी डोर है, उसे एकदम हल्के हाथ से संभालना पड़ता है, वरना अगर ज्यादा जोर से खींचेंगे तो अपनी पतंग कट के किसी और के आंगन में भी गिर सकती है। ज्ञान की देवी, आप प्लीज अपना ये ज्ञान अपने ससुराल में जाके दीजिए, मेरे घर में नहीं, मैं अपनी बेटी को संभाल लूंगा। थैंक यू। अरे वो तो घर ही ऐसा है, उसके तो चरित्र ही ऐसे है, वो तेरी बेकलेस जेठानी। बस अब वहां मैंने सबके सामने नहीं कहा, लेकिन कौन क्या पहनता है ये उसकी मर्जी, उसका हक है, हम बोलने वाले कौन होते हैं? और आप हमेशा संस्कृति की बात करती हैं, तो क्या एक औरत का दूसरी औरत को कपड़ों को लेकर ताना देना संस्कृति है? हाँ मैं तो दूंगी। देखिए मिस्टर शाह, हमें ये सारी बातें ने शांति से शराफत, शराफत, तुमने अपने ससुराल वालों की शराफत देखी है अनुपमा जी, इसलिए अब आप यहां से जाइए और जाकर अपने पति के साथ अपनी उस ऊंची हवेली में रोमांस कीजिए, मैं अपनी बेटी को संभाल लूंगा। वो मेरी भी बेटी है और आप मुझसे मेरे माँ होने का हक नहीं छीन सकते, ना ही मैं छीनने दूंगी। अनुपमा से अनुपमा कपाड़िया बनने के बाद ही तुमने ये हक छोड़ दिया खुद, और अब हक छोड़ा है तो पीछा भी छोड़ दो। पाखी बस कर, कितना रोएगी? स्टॉप क्राइंग बेबी, डोंट क्राई, बस हो गया। क्या हो गया था तुझे? क्यों लेक्चर दे रही थी? सॉरी बोल के बात खत्म कर सकती थी ना। मैं क्यों सॉरी बोलूं जब मैं गलत नहीं हूँ? पर पाखी तेरे लिए वो लड़का सही नहीं है। भाई प्लीज, बीइंग अ ब्रदर ना, आपको दुनिया का हर लड़का मेरे लिए गलत ही लगेगा। अरे क्योंकि हमें तेरी चिंता है, हम तेरे लिए बेस्ट चाहते हैं स्वीटी। तो समझो ना कि आई लाइक हिम, क्या जरूरत थी पापा को इतना तमाशा करने की, उसे मारने की। भाभी आप प्लीज अपने रूम में जाके रेस्ट कीजिए, लीव मी अलोन, आई एम नॉट अ किड एनीमोर। शाह फैमिली में और कपाड़िया फैमिली में सिर्फ एक कड़ी है, वो हो तुम, और अगर इस कड़ी ने दोनों परिवारों को जोड़ने की कोशिश की तो मैं इस कड़ी को तोड़ दूंगा। तुम्हारा इस घर में आना जाना बंद हो जाएगा और तुम सिर्फ मिसेस कपाड़िया रह जाओगे। ये कड़ी इतनी कमजोर नहीं है कि टूट जाए, आपकी जिद टूट जाएगी मिस्टर शाह, लेकिन ये कड़ी नहीं टूटेगी। अधिक आई अंडरस्टैंड, जो हुआ वो सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था, पर पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि तुम्हें इस वक्त अपने अपने लाइफ पे, अपने करियर पे, अपनी प्रायोरिटीज पे ध्यान देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम अपनी फीलिंग्स को दबा दो अधिक, आई अंडरस्टैंड, आई रिस्पेक्ट देम, बट प्लीज गो स्लो, पहले जानो, पहचानो, समझो, परखो, देन डिसाइड।
और अभी जो तुमने कहा ना कि अनु और अनुज ने भी ऐसा ही किया था, सो प्लीज अंडरस्टैंड वंस एंड फॉर ऑल, हमारा जमाना अलग था। मुझे अनु का फोन नंबर खुद लेने में 26 साल लगे हैं। हमारे जमाने में प्यार भले ही पहली नजर में होता हो, लेकिन आज की तरह इंस्टेंट रिश्ते नहीं थे, रातों रात हुकअप्स ब्रेकअप्स ये सब नहीं था। आज की जनरेशन अलग है एंड आई रिस्पेक्ट दैट। आज की जनरेशन में लोग 20s में डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें 30s 40s 50s में क्या करना है, कब शादी करनी है, कब बच्चे करने हैं, कैसा करियर लेके जाना है, कब तक साथ रहना है। तुम जो भी करो, जस्ट फोकस ऑन योर करियर राइट नाउ, दैट्स इट। आपका पॉइंट सही है अनुज, आई नो मुझे और बाकी दोनों को अपने करियर पे फोकस करने की जरूरत है। एंड ऐसा नहीं है कि हम दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप है, आई मीन इट्स जस्ट लाइकिंग, और मैं पहले भी ये चीज बोल चुका। एंड अनुज यू नो मी वेरी वेल, मैं कभी भी किसी लड़की को टाइम पास के लिए उससे फ्लर्ट या उससे इंटीमेट नहीं होऊंगा। ऐसी बात सोचना भी मत। नेवा, तू अपना है, लेकिन पाकी भी अनु की बेटी है, मेरी बेटी है। Get that? Anyway, तू शांत हो जा, इस बारे में मत सोच, बाद में देखते हैं क्या करना है। अभी तू ना पाकी को फोन करेगा ना मैसेज करेगा, नथिंग। अगर यहां ये हाल है तो वहां क्या हो रहा होगा? वनराज और बात तो अनु पे टूट पड़े होंगे, कैसे मैनेज कर रही होगी वो? क्या मुझे वहां वापस जाना चाहिए? नहीं, मेरी शेरनी वहां सब खुद मैनेज कर लेगी, और अगर मैं वहां वापस गया तो वनराज और पागल हो जाएगा। ये घर मेरा है, बच्चे मेरे और रहेंगे, और मुझे अपने बच्चों से मिलने से, अपनी बेटी से मिलने से, उससे बात करने से, उसे समझाने से कोई नहीं रोक सकता, और आप तो जरा भी नहीं। अरे तो मिलना कौन रोकता है तुझे? पर तेरे ससुराल वालों की ना लगाम कस के रख। पहले तेरी जेठानी ने किंजल को धक्का मार दिया। वाह, वो गलती से हुआ था, एक्सीडेंट था। हाँ, पर उसका भाई जो कर रहा है वो जान मुझ के कर रहा है। तुम्हारी नाक के नीचे वो लड़का मेरी बेटी को अपने जाल में फंसा रहा था और तुम्हें दिखाई भी नहीं दिया। वी प्लीज, ये जाल में फंसने वाली लैंग्वेज मत यूज करो, अधिक भी पाखी की एज का ही है। बात एज की नहीं है काव्या, बात है परिवारों की। पाखी एक शरीफ घर की लड़की है, शरीफ परिवार की लड़की है, और अधिक अनुपमा जी के ससुराल का लड़का है, और वो लड़का पाकी के लिए सही नहीं है। गाइस कम ऑन, ये टिपिकल लड़की के ब्रदर और लड़की के फादर की तरह स्लीव्स रोल अप करके झगड़ा मत शुरू करो यार, जस्ट काम डाउन। ये सारी बातें आराम से भी सुलझ सकती हैं। आराम से तो ये तेरे करली बाल नहीं सुलझते, बात कैसे सुलझेगी? बात सच तो ये है कि अधिक और पाखी का एक दूसरे को मिलना, एक दूसरे को लाइक करना, इसमें कोई गलत बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है ये। हाँ, बाकी पेरेंट्स तुम दोनों डिसाइड करो कि क्या करना है। डिसीजन हो चुका है, तुम जाके अधिक को समझा दो कि वो पाखी से दूर रहेगा। कपाड़ियाज और शाज एक दूसरे से दूर हैं और हमेशा दूर रहेंगे। आपकी इस पूरी बात में एक कच प्रॉब्लम है मिस्टर शाह, पाखी अपनी माँ से ज्यादा अपने पिता पे गई है, तो उसे जब गुस्सा आता है ना तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। आप जितना उसे अधिक से मिलने से रोकेंगे वो उतना ही उससे मिलेगी, समझे आप? मैं अधिक से बात करूंगी, लेकिन आप स्वीटी से बात करेंगे तो जरा प्यार से कीजिएगा, गुस्से से नहीं। तुम सिर्फ अपनी जेठानी के भाई को मेरी बेटी से दूर रखो, बाकी मैं संभाल लूंगा। आपके गुस्से से तो कुछ भी नहीं संभलेगा। I'm sorry, अधिक, पापा को ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। बाकी प्लीज रोना बंद करो, तुम्हें ऐसे रोते हुए देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। पेरेंट्स ऐसे क्यों होते? अपने टाइम पे रूल्स अलग, बच्चों के टाइम पे रूल्स अलग, दिस इज नॉट फेयर। अपने टाइम पे तो उन्होंने सब कर लिया, अब बच्चे कर रहे तो उन्हें प्रॉब्लम होती है। आई नो, मतलब 18 इयर्स में आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है, लेकिन 20 इयर्स की एज में हम लोग फ्रेंडशिप नहीं रख सकते, व्हाई? एक तो मुझे पेरेंट्स का समझ नहीं आता, अपनी डॉटर को वो अब्रॉड भेज सकते हैं अकेले पढ़ने,
लेकिन घर से बाहर नहीं भेज सकते अकेले, why? This is nonsense. I know. Okay, listen, Paki. तुम मुझे लाइक करती हो और मैं तुम्हें लाइक करता हूँ. And I'm pretty sure about it. Now you have to decide कि तुम्हें अपने पेरेंट्स की सुननी है या अपने दिल की. देखो पाकि, तुम 20 साल की हो पर अपने डिसीजंस खुद ले सकती हो. तुम्हें किसी के प्रेशर में आने की कोई जरूरत नहीं. एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम वेरी शॉक्ड कि तुम्हारी फैमिली ने इतनी सी बात का इतना बड़ा इशू बना दिया. और किसने कहा कि हम लोग नहीं पढ़ेंगे? बिल्कुल पढ़ेंगे, अपना करियर पे ध्यान देंगे, करियर बनाएंगे. इट्स नॉट अ बिग डील. एग्जैक्टली. ऐसा कहां लिखा है कि एक टाइम पर एक ही चीज पॉसिबल है? एग्जैक्टली. एंड बाकी आई रियली वॉन्ट कि तुम पढ़ो. इनफैक्ट मैं खुद एक एडवांस कोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ. और अगर हमारा रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग हो जाता है और अच्छा हो जाता है तो हम लोग US शिफ्ट हो सकते हैं साथ में, और वहां जाके एक अच्छी सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, सेटल हो सकते हैं. बाकी हमारी लाइफ के जितने भी डिसीजन हैं उनको लेने का राइट सिर्फ हमारा है और किसी का नहीं. ठीक है, हम पाकि से बात करेंगे और तुम अपने ससुराल वालों से बात करोगी. लेकिन एक बात गांठ बांध के सुन लो, तुम अपना ये मायका और ससुराल दोनों अलग करोगी. अरे आप क्यों जबरदस्ती मेरे और मेरे मायके के बीच में घुसने की कोशिश कर रहे हैं? आप मेरा मायका नहीं है, जरा भी नहीं. आप सिर्फ और सिर्फ मेरा गुजरा हुआ कल है जिसे अगर मैं गलती से भी याद कर लेती हूँ तो मेरा दिमाग गुस्से से फटने लगता है. मेरा मायका सिर्फ बाप, बापूजी और मेरे बच्चे हैं. आप नहीं, आप मेरा गुजरा हुआ कल है और वही रहेंगे. आज और कल में बहुत फर्क होता है. मायके और ससुराल में भी उतना ही फर्क होना चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों पास आ जाए ना तो कोई भी खुश नहीं रह सकता अनुपमा. इसलिए अपना ये मायका और ससुराल दोनों अलग कर दो. आज के बाद ना पाकि उस घर में जाएगी और ना ही वो लड़का या उसका परिवार इस घर में आएंगे. पाकि, प्लीज हार मत मान. बाय बाय. दिन रात एक हो सकते हैं, जमीन आसमान एक हो सकता है, लेकिन शाह और कपाड़ियास एक नहीं हो सकते. हमारी दुनिया अलग है और तुम्हारी दुनिया अलग, और इन दोनों दुनियाओं को अलग रहने दो. चलो अच्छा हुआ दोनों पति पत्नी ने एक साथ मेरी बात सुन ली. आई अंडरस्टैंड. एक बाप के लिए मुश्किल होता है, समझता हूं मैं, और एक लड़की के बाप के लिए तो और ज्यादा मुश्किल होता है. अधिक और पाकि एक दूसरे को जेन्युइनली पसंद करने लगे हैं. आई थिंक हमें इस मैटर को थोड़ा मैच्योरिटी से हैंडल करना चाहिए. फ्रैंकली ना वो ज़माना है अब, और ना ही हम वो लोग जो बच्चों को मार पीट के कमरों में बंद कर देंगे. सो जस्ट सेइंग. तुम अपनी बीवी को यहाँ लेने आए हो ना, तो उसे लो और यहाँ से जाओ. इसकी तरह भाषण मत शुरू करो. आपको हर सही बात भाषण क्यों लगती है? हम लोग आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं और आप है कि अकड़ रहे. जब पिता हो के आप सुनने को समझने को तैयार नहीं है तो बच्चों से क्या उम्मीद करें कि वो सुनेंगे समझेंगे? तुमने बच्चों को डांट लिया, चिल्ला लिया, हाथ उठा लिया. बेहतर ये होगा कि अब हम अपने बच्चों से थोड़ा प्यार से बात करें. सबसे पहले तो मेरे बच्चों को अपना बच्चा बोलना और समझना बंद करो. और अनुपमा जी, प्लीज एक मेहरबानी करो मुझ पर. अपने पति को लेकर यहां से जाओ, तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार होगा. चाहूंगी, जरूर चाहूंगी, लेकिन तब जब मुझे जाना होगा. मैं अपने बापूजी के घर आई हूं ना, मैं यहां आपके कहने से आई थी और ना ही आपके कहने से जाऊंगी. और एक बात अच्छे से समझ लीजिए आप,
ये मत सोचिएगा कि आप हमेशा की तरह चिल्लाते रहेंगे, चीखते रहेंगे और मैं खड़े खड़े चुपचाप सुनती रहूंगी। सुनिए ना, आप जरा इंतजार कीजिए, मैं फटाफट स्वीटी को देख कर आती। ओके। अधिक पागल हो गए, he's gone mad। वर्षा, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे अधिक ने पाखी से शादी कर ली और उसे घर पे ले आया। तो अभी सिर्फ लाइक करता है, अगर सीरियस हो गया तो ले आएगा घर पे। हाँ तो क्या हो गया, प्रॉब्लम क्या है इसमें? प्रॉब्लम क्या है? Have you gone mad, अंकुश? उस घर की लड़की हमारे घर की बहू बने? No ways, she, no ways। मैं उस घर से रिश्ता क्या, उस घर में पैर तक नहीं रखना चाहती। वर्षा, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे रिश्ते की बात चल रही है। तुम्हें नहीं लग रहा तुम कुछ ज्यादा सोच रही हो? अपने भाई अधिक और उसके फ्यूचर के बारे में मैं नहीं सोचूंगी तो और कौन सोचेगा? हाँ तो जब सोचने का टाइम आएगा तब सोचना, तब तक तुम अपना और मेरा दिमाग क्यों खराब कर रही हो? यही तुम्हारी प्रॉब्लम है, सिचुएशन को कंट्रोल से बाहर जाने तक का वेट करते हो तुम। राखी दवे वाज एब्सोल्युटली राइट, वो घर नहीं एक बहुत बड़ा सर्कस है। सर्कस एक से एक बढ़कर नमूने हैं वहां पर, एक वो वनराज शाह और उसकी वो बा, एक तो अनुपमा नहीं संभल रही मुझसे, ऊपर से उसकी बेटी यहां आ जाएगी, नहीं हो पाएगा यार मुझसे। ये जो अमीरी गरीबी कुछ नहीं होता, ये सारी फिल्मी टाइप की बातें हैं, रियल लाइफ में क्लास डिफरेंस होता है, मार्क माय वर्ड्स। तुम प्लीज अधिक से बात करो ना प्लीज। अनुज बात कर रहा है। हर काम अनुज पे मत छोड़ो, तुम जाकर बात करो। तो तुम एक काम करो, तुम बात करो। मैं नहीं कर सकती, झगड़ा हो जाएगा। तुम बात करो, समझाओ उसे कि वो अपने करियर पे फोकस करे, और अगर गर्लफ्रेंड रखनी ही है तो किसी अच्छे घर की लड़की ढूंढे, बट नॉट पाखी। ओके फाइन। अपना फोन नहीं दूंगी मम्मी। आई नो आप भी यही कहने आए हो कि अधिक अच्छा लड़का नहीं, उससे मिलना मत, बात मत करना एंड ऑल दैट। हाँ मैं यहाँ कुछ समझाने आई हूँ, ना कहने, ना मांगने, ना लेने, ना छीनने, बस एक माँ आई है ये देखने के उसकी बेटी ठीक है या नहीं। मी मम्मी, मैं गलत नहीं हूं, मैं सिर्फ अधिक को लाइक करती हूं, दैट्स इट। मैंने कुछ गलत नहीं किया है मम्मी। ये दोनों आग बुझाएंगे नहीं बल्कि और हवा देंगे। इससे पहले कि हमारा घर इस आग में जल जाए हमें कुछ करना होगा। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।